नोटबंदी का तो बहुत असर पड़ा भाई साहब काम पे। 6 दिन काम हो कर रहा था, 3 दिन काम हो रहा है बस हफ्ते भर में, या चारों भट्टी चले कर रही थी, अब बिल्कुल काम ठप पड़ा बिल्कुल। मुरादाबाद के पीरजादा की इन तंग गलियों में घुसते ही हथौड़ी की ठक ठक आपके कानों में गूंजने लगती है। ये पीतल के बर्तनों पर नक्काशी करने वाले मजदूरों या कहें कि कलाकारों की बस्ती है। नोटबंदी ने इन कलाकारों के कामकाज पर बहुत बुरा असर डाला। क्या उनकी ये नाराजगी चुनावों में भी कोई असर दिखाएगी? बिल्कुल दिखेगा, इसका चुनावों पे भरपूर असर पड़ेगा, इसके खिलाफ वोट देंगे। मेहनत करते पैसा लेते हैं, नहीं मेहनत करते नहीं मिलता। परेशानी तो गरीब आदमी की है, नेता लोगों के नहीं है। जो कारीगर थे वो काफी कट गए, जब उन्हें काम ही नहीं मिला तो जाहिर बात है कि वो दूसरी जगह चले गए। बहरहाल किसी न किसी तरीके से उन्होंने अपना गुजारा किया, किसी ने रक्षा चलानी शुरू कर दी। 20-25% कारीगर जो है वो जॉबलेस हो गया बिल्कुल। जैसे इंडिया को कैशलेस बनाया जा रहा है, इस तरीके से हमें जॉबलेस बना दिया। साथ में किसके हैं? समाजवादी के साथ हैं। समाजवादी जो है हमारे हक में कुछ बात करती है, थोड़ा कुछ विकास का काम है, जैसे यूनिवर्सिटी बना दी रामपुर के अंदर। मतदान जो है मतलब आदमी खुल के करेगा, इसको मतलब विरोध करेगा सब नोटबंदी का। वोट तो हमारे यहाँ समाजवादी को जाएगा। समाजवादी ने मतलब ये काम अच्छे किए हैं ना, विकास करा, जैसे लखनऊ मेट्रो बनवाई और सड़कें मतलब और मतलब विद्या कन्या विद्यालय दिया है, लैपटॉप दिए विद्यार्थियों को। अब जब गठबंधन हो गया तो सब साथ ही साथ हैं। गठबंधन नहीं था तो कांग्रेस के साथ नहीं थे। बहुत लाभ मिलेगा उसको, जो एकजुट जो वोट बटे हुए थे वो एक जगह होगा कांग्रेस का समाजवादी का। वोट के बदले सर शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, और वो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, वो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो किसको वोट देंगे आप? सर कमल को देंगे। कमल की सरकार ने सर इतना कुछ कराया है जो आने वाली समय बहुत समय से कराई ना था किसी ने। मुरादाबाद में करीब 3 लाख मजदूर वर्कर्स इस पीतल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। नोटबंदी की मार से हो सकता है देर सवेर वो उबर जाएं, लेकिन उन्हें हेल्थ एजुकेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं है। और हैरानी की बात है कि किसी पार्टी का मैनिफेस्टो इस बारे में बात तक नहीं कर रहा। मुरादाबाद में आकिब रजा खान के साथ मैं नीरज गुप्ता, यूपी चुनाव की खास खबरों के साथ द क्विंट के लिए।